हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड लिए गए हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। और वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ज़रूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, एक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि लाभ प्रतिशत 37.5% है और विक्रय मूल्य 1650 रुपये है। देखिए, लाभ प्रतिशत आपको कितना दे रखा है, 37.1/2%। अगर देखिए यहाँ पर कभी भी ऐसी वैल्यू आ जाए फ्रैक्शन में तो उसे कैसे बदलते हैं, याद रखिए, यहाँ पर बदलना सीखिए। 37.1/2% को हम बदलेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 37 में करेंगे 74, 74 में 1 जोड़ेंगे 75 और बटे में दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100, तो मैं बटे में 100 लूँगा, 100 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा, 200 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर 200 ले सकता हूँ। ठीक है, क्लियर। अब इसे मैं सॉल्व करूँगा, 25 से कटाऊँगा, 25 तिरिक्का 75 कटेगा और 25 8 200 कटेगा, तो ये कितना आ गया दोस्तों, 3/8। इतनी बात समझ में आई। अब 3/8 में आपको एक चीज़ मालूम है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपकी CP, मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। 8 क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। अब 8 रुपये की चीज़ पर कितने का लाभ, 3 रुपये का लाभ। 8 रुपये की चीज़ पर 3 रुपये का लाभ, 8 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11, और 11 क्या हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस। भाई 8 रुपये की चीज़ को हम 11 रुपये में बेचेंगे तभी तो 3 रुपये का प्रॉफिट है। तो नीचे वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस होती है, ऊपर वाली प्रॉफिट, 8 रुपये की चीज़ पर 3 का प्रॉफिट। तो 8 में 3 जोड़ के इसका मतलब हम कितने बेच रहे हैं उसे, 11 में। तो सेलिंग प्राइस यहाँ रेशियो में कितना है, 11 है, और यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है, 1650 है। तो 11 = 1650 के हो जाएगा। जब 11 का मान 1650 तो 1 का मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 1650 / कितना, 11। 11 से कटाएंगे, 11 1 = 11, 5 बचेगा 55, 11 5 = 55 और 1 0 = 150। 11 की वैल्यू 1650 तो 1 की वैल्यू 150। आपको क्या निकालना है, घड़ी का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य रेशियो में कितना है, 8 है। तो 1 का मान जब 150 तो 8 का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 150 का मल्टीप्लाई सीधा सीधा 8 से कर दीजिए, 15 8 कितना होता है, 120 और 1 0 = 1200। तो 8 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1200, मतलब क्रय मूल्य घड़ी का कितना है, 1200 रुपये है। 1200 रुपये की घड़ी को जब 1650 रुपये में बेच रहे हैं तो 37.5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर आ गया, 1200। बी डी ऑप्शन में दे रखा है 1200, ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 12 के प्रथम 13 गुणजों का औसत क्या है। ठीक है, 12 के पहले के 13 गुणज ले लीजिए। तो 12 का सबसे पहला गुणज क्या हो जाएगा दोस्तों, 12। दूसरा गुणज हो जाएगा 24, तीसरा हो जाएगा 36, चौथा हो जाएगा 48। इसी तरीके से चलता रहेगा तो लास्ट का गुणज क्या हो जाएगा, 12 × 13। 12 × 13 कितना होता है दोस्तों, ये होता है आपका 156। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये आपके दोस्तों गुणज हैं, 12 का पहला गुणज 12, दूसरा 24, तीसरा 36, चौथा 48 और जो 13 में गुणज होगा 12 का वो कितना होगा, 156। ठीक है, इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई। अब देखिए, औसत आपको निकालना है तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। औसत में अगर संख्याओं के बीच का अंतर समान रहे, 12 24 का अंतर 12, 24 36 का अंतर 12, 36 48 का अंतर 12, 48 के बाद आ गया जो आएगा वो भी अंतर 12, उसी तरीके से 156 तक का अंतर कितना बनेगा, 12 का। जब मैंने आपको बताया है औसत पूछा जा रहा है और दो संख्याओं के बीच का अंतर अगर समान रहे तो जो ट्रिक है वो क्या रहती है, first + last / 2। ठीक है, अब फर्स्ट क्या है दोस्तों आपका 12 है, प्लस लास्ट कितना है दोस्तों आपका 156 है, डिवाइडेड बाई करेंगे 2। अब 12 और 156 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 168, डिवाइडेड बाई करिए 2, कटाइए, 2 8 16, 2 4 8 84 आ गया आपका औसत, आपके प्रश्न का सही आंसर। 84 दे रखा बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस तरह के प्रश्न को अगर करना है तो बस एक बात याद रखिए कि जब आपका अंतर समान आ रहा है तो first + last / 2 आंसर आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100, 4 की पावर 200 में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।
इन चारों में सबसे बड़ी संख्या क्या है ये आपको पता करना है। देखिए चाहे तो बड़ी संख्या पूछ ले चाहे छोटी संख्या पूछ ले, हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि चाहे छोटी पूछे चाहे बड़ी पूछे आपका जो आंसर है वो आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड में। 5 सेकेंड से ज़्यादा का वक्त नहीं लेगा आपका आंसर आने में, ऐसी ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसा प्रश्न कभी भी पूछे तो आपको करना क्या है, जो आपके पास पावर दे रखी है इनका क्या ले लीजिए HCF। तो पावर आपके पास क्या क्या है, 250 है, 150 है, 100 है और 200 है, ये दोस्तों आपके पास पावर दे रखी है। इन सभी पावर का क्या ले लीजिए आप HCF। सभी पावर का जब आप HCF लेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा दोस्तों इनका 50। HCF क्या होता है दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 50 है, 50 100 को भी काटेगा, 200 को भी काटेगा, 150 को भी, 250 को भी। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 50 है, 50 से बड़ी अगर हम और कोई संख्या ले लेंगे तो वह सभी संख्याओं को नहीं काट पाएगी, 50 ही बड़ी से बड़ी संख्या है। तो HCF 50 आ गया। अब बहुत सिंपल हो गया सवाल, देखिए यहाँ क्या है दोस्तों, आपके पास 2 है, यहाँ क्या है 3, यहाँ है 5 और यहाँ पर 4। HCF कितना आया है 50। अब मैं 50 से 250 को काटूंगा कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, पावर 5 रख दो। 150 को काटूंगा 50 से कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, पावर 3 रखो। 100 कटेगा 2 बार में, पावर 2 रखो। 200 कटेगा 4 बार में, पावर 4 रखिए, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 5 का मान कितना 32, 3 की पावर 3 का मान कितना 27, 5 की पावर 2 का मान 25 और 4 की पावर दोस्तों 4 का मान 256 होता है, याद रखिएगा। अब देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आई है, 32, 27, 25, 256। आप कहेंगे सर दो सबसे बड़ा तो 256 है, ये 256 जब सबसे बड़ा है किससे निकल के आया है, 4 की पावर 200 से, तो इसका मतलब 4 की पावर 200 सबसे बड़ी संख्या है, डी ऑप्शन हो गया सही आंसर। अगर सबसे छोटी पूछ लेता तो देखिए सबसे छोटा कौन है, 25 सबसे छोटा है, 5 की पावर 100 से निकल के आया है, 5 की पावर 100 सबसे छोटी संख्या है। तो HCF ले लीजिए पावर का, बस आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 9 वस्तु बेचकर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए दोस्तों मैंने इसके लिए कल भी एक वीडियो बनाया था जिसमें ये प्रश्न मैंने आपको बताया था, लाभ प्रतिशत पूछे चाहे हानि। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एक्स बटे में वाई, अगर लाभ की बात है तो माइनस एक्स, अगर हानि की बात है तो प्लस एक्स करते हैं, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई। अब एक्स क्या है दोस्तों, आपका प्रॉफिट कितना, एक वस्तु के बराबर है तो एक ऊपर रखेंगे। वाई कितना है, टोटल 9 है, 9 रखेंगे, माइनस करेंगे एक्स, एक्स कितना है 1, मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ऊपर तो एक रहेगा, 9 में से एक घटा देंगे, 8 मल्टीप्लाई दोस्तों कितना 100। अब 8 से 100 को कटा दीजिए, 8 एकम 8, 2 बचेगा 20, 8 दुनिया का 16, 20 में से 16 कट गया, 4 बचेगा नहीं जाएगा, 0.40, 8 पंजे 40, 12.5% का लाभ है, डी ऑप्शन में दी रखा है। इतनी बात दोस्तों समझ में आई, 12.5% का लाभ हो गया, ये आंसर आ गया। और ये मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ अभी, ठीक है, तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका एक दूसरा तरीका और है साधारण, उसे देखिए। साधारण तरीका क्या है, किसी व्यक्ति ने 9 वस्तु बेची तो एक का लाभ, 9 वस्तु बेची तो एक का लाभ, टोटल वस्तु दोस्तों उसने 9 बेची हैं और लाभ हुआ है एक का, कितने का लाभ हुआ है, एक का लाभ हुआ है, ठीक है, 9 में से एक का जब लाभ हुआ तो बटे में कितना आ जाएगा 8। क्लियर, बात को समझिए, 8 और 1 टोटल वस्तु कितनी हो गई 9, 8 और 1 टोटल वस्तु कितनी हो गई 9, उसने टोटल 9 वस्तु बेची, 8 और 1 टोटल मिला के उसने 9 बेची, ठीक है, जब 9 बेची लाभ एक का है, ऊपर एक लिख दीजिए और नीचे क्या करेंगे उतने को ही माइनस कर दीजिए, जैसे टोटल वस्तु क्या है उसे लिखेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने टोटल वस्तु 9 लिख लिया, अगर यहाँ पर 2 वस्तु का लाभ होता तो ऊपर 2 और 9 में से 2 घटा के लिख देते नीचे, अगर 9 वस्तु बेचकर 4 वस्तु का लाभ होता तो 9 लिखते यहाँ पर, 4 घटा के 4 ऊपर और 9 में से 4 घटा के नीचे, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, सबकी समझ में आ गया होगा। अब वही है 8 से 100 को कटाएंगे तो 12.5% आ जाएगा। आई बात समझ में, नहीं आई, यहाँ पर एक वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, अगर यहाँ पर 4 वस्तु कह देता
तो ऊपर हमें चार लिखना है, चार कह देगा तो चार लिखना है, ठीक है। और टोटल में से उसे घटा करके लिख दीजिए, टोटल में से चार में घटा के लिखूंगा, बट्टे में पाँच आ जाएगा और टोटल कितना हो जाएगा, ये नौ ही तो हो जाएगा। आई बात समझ में? और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, सौ से मल्टीप्लाई आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में अच्छे से आ गया होगा प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है a माइनस 16 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर जीरो हो तो a प्लस b बटा c बराबर क्या। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा टर्म जीरो के बराबर है, तो ये जीरो के बराबर कैसे आएगा? इस पहले टर्म को जीरो के बराबर रखें, इसको भी जीरो के बराबर रखें और इसको भी जीरो के बराबर रखें, तभी तो जीरो के बराबर होगा। पूरा टर्म तो रख दीजिए, a माइनस 16 को क्या करेंगे आप, जीरो के बराबर रखेंगे, ठीक है। a माइनस 16 को जीरो के बराबर रखेंगे तो देखिए a बराबर, ये माइनस का 16 बराबर के अंदर आके प्लस का 16 हो जाएगा, इतनी बात समझ में आई। अब b प्लस 6 को भी जीरो के बराबर रखो, b प्लस 6 को मैं बराबर जीरो के रखूँगा तो b बराबर, ये 6 है प्लस का बराबर के अंदर जाएगा तो माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक। अब इसको भी मैं क्या करूं, जीरो के बराबर रखूं, c माइनस 2 को मैं क्या करूं, जीरो के बराबर, तो c बराबर ये माइनस का 2 बराबर इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? अब देखिए आपसे पूछ रहा है a प्लस b बटा c का मान, a का मान कितना है, a का मान 16 है आपको मालूम है, तो आप यहां 16 रख दीजिए, ठीक है। b का मान कितना है, b का माइनस 6 है, माइनस 6 यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। b कितना है, माइनस का 6, तो 6 आ गया। c का मान कितना है, c का मान 2 है तो 2 रखिए, 16 में से 6 घटेगा 10 आएगा, बटे में कितना है 2, 2 से 5, 10 को कटाएंगे 5 बार में कटेगा, आंसर आ गया 5, बी ऑप्शन हो गया सही आंसर। पहले तो ये प्रश्न आपको बहुत कठिन लगा होगा, आप बिल्कुल भी कठिन नहीं लगा होगा, आप खुद कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कितने अच्छे से समझ में आया है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम का ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और अभी भी पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, तीन संख्या दी जाती हैं किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर, 7 से विभाजित किया तो कितना शेष बचा, 4 शेष बचा, ठीक है। 7 से विभाजित किया तो 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर, कितने से, 7 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। तो ऐसे प्रश्न में दोस्तों तीन संख्याएं होती हैं, तो हमें करना क्या होता है, जो लास्ट वाली संख्या से विभाजित करने के लिए कहा गया है, तो लास्ट वाली संख्या से क्या करते हैं, बीच वाली संख्या को विभाजित करते हैं दूसरी को। अब 7 से तो भाग जाएगा नहीं 4 में, लेकिन प्रश्न को समझेंगे तो चला जाएगा। कैसे, 7 से विभाजित करने पर दोस्तों क्या बचता है, 4 शेष बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को, वर्ग की बात कही गई है तो उस संख्या का वर्ग कीजिए, मतलब 4 का वर्ग कीजिए, तो 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 16। अब 7 से आप 16 में भाग दीजिए, कितनी बारी जाएगा, जब 7 से 16 में भाग देंगे, 7 दुनिया का 14 कट गया, 16 में से 14 तक कट गया, तो शेष पूछ रहा है कितना बचेगा, 2 आपका शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा, ये आपका आंसर आ गया पहला ऑप्शन। आगे दोस्तों बात समझ में? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न टाइम एंड वर्क का है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ए बी और सी निश्चित कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं, ए बी सी तीन व्यक्ति दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीन व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि ए अकेले 12 दिनों में कर सकता है, आपका जो दोस्तों ए है वो अकेले कर सकता है 12 दिन में, और बी अकेले 10 दिन में कर सकता है, बी अकेले दोस्तों कर सकता है 10 दिन में, ठीक है। ए बी सी मिलकर कर रहे हैं 4 दिन में, ए अकेला 12 दिन में कर पा रहा है, बी अकेला 10 दिन में कर पा रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। आपको काम तो पता ही नहीं है काम कितना है टोटल, तो आप चारों का इनका एलसीएम ले लीजिए, 4, 12, 10 का काम पता चल जाएगा कितना है, 4, 12, 10 का एलसीएम कितना जाएगा दोस्तों, 60। इसका मतलब जो टोटल काम है करने के लिए वो 60 है, ठीक है। अब 4 से 60 को कटाएंगे कितनी बार में कटेगा, 15 बार में, 12 से मैं 60 को काटूंगा 5 बार में कटेगा, 10 से 60 को काटूंगा दोस्तों 6 बार में कटेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है एक दिन का काम 15 है ए बी सी का, एक दिन का काम 15 है ए बी सी का, ए का एक दिन का काम 5 है, बी का एक दिन का काम 6 है,
ए का एक दिन का 5, बी का एक दिन का 6, अगर मैं दोनों को जोड़ लूँगा तो 11 हो जाएगा। ए और बी का काम एक दिन का कितना, 11। ठीक है, आपसे पूछ रहा है सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा कार्य को। तो देखिए, ए बी सी तीनों का काम है 15 और ए और बी दोनों का काम है 11। तो मैं तीनों के काम में से इस ए और बी का हमें पता है कितना है, 11। ए और बी का कितना है पता चल गया हमें, 11 है। तो मैं तीनों के काम में से 15 में से ए और बी का घटा दूंगा, 11 को घटा दूंगा, तो हमारे पास सी का बचेगा। तो 15 में से मैंने ए और बी का घटा दिया, तो 15 में से 11 घटा दिया, 4 बचा। ये 4 किसका काम है दोस्तों, सी का काम है। सी अकेले कितने दिन में करेगा, सी अकेला एक दिन में 4 कार्य करता है। टोटल काम करना है कितना, 60। टोटल काम करने के लिए दोस्तों आपका 60 है, एक दिन में जब 4 करता है तो 60 को करने में कितना समय लगाएगा, 15 दिन का समय लगाएगा। ये आपका आंसर आ गया, 15 दिन रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का दोस्तों क्या आ गया, सही आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 20 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो हाथ मिलाने वाले या फिर गिफ्ट वाले। मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अगर हाथ मिलाने वाला पूछा है, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, अब देखिए n आपके पास कितना है, 20 है, n 20 है, 20 में से एक घटा देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 19 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई 19 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर। अब देखिए, 2 से मैंने 20 को कटाऊंगा 10 बार में, 10 का मल्टीप्लाई 19 से कितना हो जाएगा, 190। तो कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, 190 बार हाथ मिलाए जाएंगे। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, हाथ मिलाने वाला प्रश्न आ गया, आंसर आ गया। अगर यहीं पर गिफ्ट वाला पूछ लेता, यहीं पर अगर गिफ्ट वाला पूछ ले तो आपको क्या कर देना है, जो हाथ मिलाने वाला है 190, इसी का डबल कर दीजिए। 190 का डबल करेंगे दोस्तों, 380 आंसर आ गया। हमेशा याद रखना कि गिफ्ट वाला आंसर हाथ मिलाने वाले का डबल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, इतना ही है कंसेप्ट और कुछ नहीं है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता, गिफ्ट वाला, अगर ये गिफ्ट वाला पूछा जाता तो इस वाले फॉर्मूले से 190 आ जाता आंसर। ये का हाथ मिलाने वाला है, उसी का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, गिफ्ट वाला बन जाएगा आंसर दोस्तों। अगर यही प्रश्न पूछा जाता कि 20 लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो कुल कितने गिफ्ट दिए जाएंगे, 380 गिफ्ट दिए जाएंगे। आगे बात सभी की समझ में, तो 190 इसका आंसर है, क्योंकि हाथ मिलाने वाला प्रश्न है पहला ऑप्शन। अगर गिफ्ट वाला होता तो 380 सही आंसर था। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।